नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला इन दिनों T20 वर्ल्ड कप 2022 में धमाल मचा रहा है, मगर इसी बीच उन्होंने एक और कमाल कर दिखाया है। कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग ने T20 क्रिकेट में धमाल मचाने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा है। इस अवार्ड के लिए पुरुष कैटेगरी में कोहली के साथ जिम्बाब्वे टीम के सिकंदर रजा और साउथ अफ्रीका के डेविड मिलियर को भी नामित किया गया था, मगर यह अवार्ड कोहली के खाते में आया है। कोहली को यह अवार्ड पहली बार मिला है। उन्होंने यह सम्मान पिछले महीने यानी अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन के चलते मिला है। वहीं बता दें कि 34 साल के विराट कोहली 3 साल से खराब परफॉर्म से जूझ रहे थे, मगर उन्होंने 3 महीनों में ही अपनी लय को हासिल कर लिया है। इस T20 वर्ल्ड कप सीजन में कोहली ने अब तक सबसे ज्यादा 246 रन बना दिए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने 350 जमाई है। कोहली ने इस वर्ल्ड कप में अपनी तीनों 50 पाकिस्तान नाबाद 82 रन, नदरलैंड नाबाद 62 रन और बांग्लादेश नाबाद 64 रन के खिलाफ लगाई है। वहीं आपको बताते चले कि पाकिस्तान की निदा को महिला कैटेगरी में मिला अवार्ड ICC से ने सोमवार 7 नवंबर को पुरुष और महिलाओं की कैटेगरी में अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड घोषित किया है। पुरुषों में कोहली ने यह खिताब जीता तो महिलाओं में पाकिस्तान की निदा डार को यह अवार्ड मिला है। कोहली ने अक्टूबर महीने में 4 T20 मुकाबले में धमाल मचाया। इस दौरान 250 लगाई, इनमें पाकिस्तान के खिलाफ करियर की बेस्ट पारी रही थी। इससे पहले भी अवार्ड जीत चुके हैं कोहली। बता दें कि विराट कोहली का ये कोई पहला ICC अवार्ड नहीं है। इससे पहले भी ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेट ऑफ द डीकेंड और क्रिकेट ऑफ द डीकेंड, प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड जीते हैं। इसमें से कुछ अवार्ड कोहली ने कई बार जीते हैं। कोहली एक साल में सभी ICC वार्षिक व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र क्रिकेटर है। 2018 में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद कोहली को सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, ICIC टेस्ट और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।